हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस मेघा। और आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ वो एक होम रेमेडी से रिलेटेड है। ये आपके स्किन के ऊपर जितने भी एक्ने हैं या एक्ने के निशान हैं या कोई भी डार्क स्पॉट या डार्क पैचेस हैं, ये उनको धीरे धीरे करके रिड्यूस करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी होम रेमेडी की तरफ। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं एलोवेरा ले रही हूँ। मैंने फ्रेश एलोवेरा लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं इस तरह से इसको कट कर लूँगी और इसके सारा पल्प को एक साइड पे निकाल लूँगी। एलोवेरा जेल में एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके एक्ने को इम्प्रूव करते हैं, और सनबर्न, स्किन इरिटेशन जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको एलोवेरा रिमूव करता है। मैंने इस तरह से इसको कट करके एक बाउल में निकाल लिया है। मुझे एक चम्मच के आसपास एलोवेरा जेल चाहिए था, वो मेरे पास है। मैंने इसमें से इसको सेपरेट कर लिया है। मिलाऊंगी इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा। ये आपके फेस की डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसमें मिलाऊंगी एक चम्मच ऑलिव ऑयल। ऑयल आपकी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर का काम करता है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी एक विटामिन ई का कैप्सूल। मैंने इवॉन का विटामिन ई का कैप्सूल लिया है। मैं इसको पंचर करूंगी और इसको पूरा का पूरा इसमें मिला दूंगी, और उसके बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मुझे इसे एक पैक के फॉर्म में बनाना है तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी, और जब ये रेडी हो जाएगा तो मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूंगी। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो हल्के हाथों से अपने फेस को सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज कर लें। कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने फेस को मसाज करना है, और नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लें।